मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान की भाजपा सरकार है ये युवाओं के लिए अग्निवीर लेके आई है कि 18 साल में नौकरी देंगे और 4 साल बाद 22 साल में रिटायर कर देंगे। और मोदी जी 73 साल पे कह रहे हैं कि हमको एक मौका और दे दीजिए। आप हमारे बच्चों को 22 साल में रिटायर कर दे रहे हैं और हम आपको एक मौका दे दें। और योगी जी से अगर हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी मांगते हैं तो ये कहते हैं कि मैं आपके खेतों में जो सार और गाय छोड़ा हूँ उसे जाइए आप पहले हटाइए, आपके लिए यही नौकरी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, 25 तारीख को केतरी का बटन दबा के आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भैया का और चौधरी अमर सिंह का आप मजबूर करते हुए आप लोग जवाब दीजिएगा, तब ये लोग आजाद समाज पार्टी जो भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसमें आगे यही बात कही गई है कि हम लोग सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेंगे। और भाजपा वाले ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर इसकी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो हमारे चंद्रशेखर भैया लड़ रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों को निर्णय लेना होगा, इस लड़ाई में अगर हम चूके, अगर चंद्रशेखर भैया से कंधे से कंधा मिला के नहीं चले तो ये दोबारा मौका आने वाला नहीं है। आपके मत सोचिए हम कम की ज्यादा है, आजादी के आंदोलन में भी कम लोग थे, लेकिन जब इस हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें आपका नाम नहीं लिखा जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को नष्ट कर रही थी, सभी सीबीआईटी को खरीद रही थी, तो आप संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल थे कि उनके सुनने वाले लोगों में शामिल थे। बात का आप जिक्र नहीं है कि आप संविधान बचाने वाले के लोगों में शामिल हैं। इसलिए हमें केतरी को वोट देना है, इसलिए हमें आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हर आदमी ये ठान ले कि हम कम से कम 20-20 लोगों से संपर्क करेंगे और 20-20 लोगों को मोटिवेट करेंगे और भैया की विचारधारा को बताएंगे और इनकी विचारधारा को मजबूत करेंगे, पार्टी को खड़ाएंगे, भैया के सिद्धांत को मजबूत करेंगे और कम से कम 2.5 लाख वोटों से चौधरी अमर सिंह को लोकसभा को विराम देता हूँ। बहुत साई अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष